हेलो फ्रेंड्स, फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो ड्रामा होगा उसमें सब शॉक्ड होने वाले हैं। माया की सच्चाई जान के सब अनुज कपाड़िया को शक की नज़रों से घेर रहे हैं और उठा रहे हैं अनुज के कैरेक्टर पर कई सारे सवाल। वहीं अनुज कपाड़िया ने इस पूरे ड्रामे में साध ली है चुप्पी, धर लिया है मौन। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माया ने इतना बड़ा माया जाल बुन दिया है और अब अनुपमा और माया के बीच इतना बड़ा झगड़ा भी हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ अनुज चुपचाप खड़े होकर बस देख रहा है। अनुज को ये समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। वेल, इन सब को देख के आपके मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि अनुज कपाड़िया आखिर चुपचाप क्यों खड़ा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। भाई, ये अनुज जो है वो चुपचाप नहीं खड़ा है, बल्कि अनुज ने पता लगा लिया है माया की सारी सच्चाई और वो माया का सारा सच जानता है। वो चुपचाप खड़ा है, ये देख रहा है कि उसकी अनु उसके बारे में क्या सोचती है और उसके लिए माया से कितना लड़ती है। अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब माया और अनुपमा इन दोनों के बीच बहसबाजी जब पूरी तरह से हो जाएगी शांत, जब माया और अनुपमा इन दोनों के बीच की तू-तू मैं-मैं हो जाएगी खत्म, तब उसके बाद अनुज शुरू होगा। अनुज दिखाएगा माया को उसके खिलाफ ही सबूत और माया से कह देगा कि मैं बहुत पहले से जानता था और समझता था माया का सारा खेल, और मैं चुप इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी अनु खुद जाने कि क्या सही है और क्या गलत। वो माया से कह देगा कि मैं चाहता था कि मेरी अनु खुद इस चीज को समझे कि सारी दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना वो समझती है। अनु खुद इतनी अच्छी है कि उसे दूसरे भी अच्छे नजर आते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दुनिया बहुत खराब है, स्पेशली माया जैसी लेडीजों की वजह से, जो अपनी खुशी के लिए दूसरे की हस्ती खेलती लाइफ बर्बाद कर देती है। भाई, अब अनुज ने भी माया को एक्सपोज कर दिया है और अब माया का माया जाल कट जाता है या अनुज और अनुपमा इसमें फंस जाते हैं, शो के आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना होगा। तो ऐसे ही डेली अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे अपने चैनल टेलीबूम के साथ।